But Aamir Khan, the actor who set the trend of reading a bound script before giving his nod to a film. कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे अपने स्कूल के दिनों में वो ज्यादातर स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स में ही इंटरेस्ट रखा करते थे इनफैक्ट उनकी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि आमिर फिल्म्स में काम करे हम भी चाहते थे कि ये बच्चा जो है ये इस लाइन भी नहीं आए ये लाइन बड़ी खतरनाक है और बड़ी रिस्की है और कुछ इसका भरोसा नहीं है कि इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे पर ट्रू टू हिज कैरेक्टर जब आमिर खान ने फिल्मों में एक्टिंग करने की ठान ली तो कोई उनका ये डिसीजन बदल नहीं पाया माय फादर हैज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स एज वेल एज अ प्रोड्यूसर जब मैंने पहली दफ़ा जाहिर किया अपने पेरेंट्स से कि मुझे फिल्मों के साथ जुड़ना है तो उनका रिएक्शन था कि भाई इसमें तुम मत आओ प्लीज़ दे डिडंट वांट मी टू एंटर द फिल्म इंडस्ट्री एंड आई थिंक उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि वो मुझे प्रोटेक्ट करें लेकिन मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ तो जब मैंने तय कर लिया था कि मुझे फिल्मों में जाना है तो मैंने कहा भाई आई एम क्लियर दिस इज व्हाट आई वांट टू डू यादों की बारात और मधोश जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के किरदार निभाने के बाद 1984 में आमिर खान ने केतन मेहता की होली में काम किया दो द फिल्म वेंट अननोटिस्ड इट पेव्ड द वे फॉर हिज फ्रेंडशिप विद आशुतोष गोवारिकर हु आल्सो स्टार्ड इन इट 4 years later, Hindi movie fans were about to witness one of the most romantic sensational heroes in Bollywood, Aamir Khan. Film ka naam tha Qayamat Se Qayamat Tak, directed by his cousin Mansoor Khan. Ye film Hindi cinema ke itihas mein ek cult love story sabit hui. Paired opposite another debutant, ex-Miss India Juhi Chawla, the two were an instant hit. Hamare liye college ka ye aakhri din hai. Aur main janta hoon ki aane wali zindagi ke liye sabhi ne kuch na kuch soch rakha hai. लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है पर मजे की बात तो ये है कि आमिर खान एट द टाइम ऑफ शूटिंग कयामत से कयामत तक वाज ऑलरेडी मैरिड टू हिज कॉलेज स्वीटहार्ट बट एज द कास्ट एंड क्रू ऑफ द फिल्म वर फेयरली न्यू इन द इंडस्ट्री आमिर वाज आस्क्ड टू कीप हिज मैरिज अ सीक्रेट उनकी वाइफ रीना दत्ता ने कयामत से कयामत तक में एक स्पेशल अपीयरेंस भी दिया 1988 में जब ये फिल्म रिलीज हुई देन ओवरनाइट आमिर खान बिकेम द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन और अब सभी को यही देखना था कि क्या आमिर सिर्फ एक वन फिल्म वंडर रह जाएंगे और विल ही बी एबल टू प्रूव हिज वर्थ इन हिज नेक्स्ट क्रॉप ऑफ फिल्म्स टू अपना नाम करेगा द नेक्स्ट ईयर सॉ आमिर इन अ नेशनल अवार्ड विनिंग रोल इन आदित्य भट्टाचार्य'स राख बट व्हाट ऑडियंसेस वर वेटिंग फॉर विद बेटेड ब्रेथ वाज टू सी द आमिर जूही मैजिक अगेन ऑन स्क्रीन और उनको इसका मौका तब मिला जब 1989 में रिलीज हुई उन दोनों की दूसरी फिल्म लव 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 पर बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो जादू नहीं कर पाई इतनी फ्लॉप होती थी तो मैं जाता था जब मेकअप रूम में तो ये मैं देखा कि जूही और ये रो रहे हैं आंसू आ रहे हैं कि ये पिक्चर फ्लॉप हुई तो मैंने कहा कि घबराओ मत जब पिक्चर फ्लॉप होती हैं तो घबराओ मत